स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी का पहला चैप्टर जीवों में जनन का ये आगे का भाग देखेंगे। ये हमारा दूसरा वीडियो है। जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा था, जनन क्या होता है, जनन कितने प्रकार का होता है और अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम लोग पौधों में अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है और उसकी कितनी विधियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पौधों में अलैंगिक जनन, पौधों में अलैंगिक जनन को हम कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसे इंग्लिश में बोलते हैं। इसको हम कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। मातृ पौधे के कायिक अंग द्वारा नए पौधे का निर्माण कायिक जनन कहलाता है। किसी भी कायिक अंग, इसमें एक वर्ड आया है कायिक अंग, मीन्स पौधे के कायिक अंग। कायिक अंग कहने का मतलब है कि जड़, तना या पत्ती। पौधे के किसी भी भाग द्वारा अलैंगिक प्रजनन में, जैसा कि पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था कि अलैंगिक जनन में सिर्फ और सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है, सिर्फ एक जनक की नए संतान की उत्पत्ति करता है। तो उसी तरह से इस पेड़ पौधे में क्या होगा कि सिर्फ जनक सिर्फ एक ही रहेगा, वो नए पौधे का निर्माण करेगा, नए पौधे की उत्पत्ति करेगा। तो मीन्स जनक पौधे का कोई भी भाग हो सकता है, या तो वो तना होगा या पत्ती होगा या जड़ होगा, कोई भी भाग उस पौधे से अलग होकर एक नए पौधे का निर्माण करेगा, इसे ही हम कायिक जनन कहते हैं। पौधे के कायिक अंग द्वारा नए पौधे का निर्माण कायिक जनन कहलाता है। कायिक अंग में जड़, तना तथा पत्ती कोई भी हो सकते हैं। अब कायिक जनन की विधियां क्या क्या है। कायिक जनन मुख्यतः दो विधि इसकी होती है। पहली हो गई प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरी हो गई कृत्रिम कायिक जनन। पहली है प्राकृतिक कायिक जनन। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि प्राकृतिक कहने का मतलब है कि जो जनन अपने आप हो, उसमें किसी भी मानव का, किसी का, हमारा आपका, किसी तरह का कोई उसमें रोल नहीं होगा। पेड़ पौधे खुद ब खुद अपने आप उसके पेड़ पौधे के किसी भी भाग से, या तना हो या जड़ हो या पत्ती हो, किसी भी भाग से एक नए पौधे की उत्पत्ति होगी। वो प्राकृतिक रूप से होगी, वो खुद ब खुद स्वयं होगी। स्वयं उस पौधे का कोई भी भाग अपने आप वहां से अलग होगा और वो एक नए पौधे का निर्माण करेगा, तो उसे हम कहेंगे प्राकृतिक कायिक जनन। और दूसरा है हमारा कृत्रिम कायिक जनन। जैसा कि नाम से, कृत्रिम कहने का मतलब है कि जो कराया जाए, जिसमें कि जो जनन हम कराए या कोई भी व्यक्ति उस जनन को कराया जाए, जो उस जनन को कराए उसे कृत्रिम जनन कहते हैं। जैसे कि हम लोगों की कभी प्लांट गुलाब के पौधे को अगर उगाने की इच्छा होती है तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं से भी कोई कलम, उसका गुलाब का कलम या एक उसका तना वाला भाग वहां से ले आते हैं और अपने गार्डन में उसको रोपित कर देते हैं। तो उस तरह से वो हमने खुद से किया, वो अपने आप नहीं हुआ, तो वो हमारा हो गया कृत्रिम कायिक जनन। तो कृत्रिम कायिक जनन में होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर कृत्रिम रूप से उस पौधे का जड़, तना या पत्ती को लेकर अगर नए पौधे की उत्पत्ति करता है तो उसे कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। इसको अच्छे से समझ लेना है। और बायोलॉजी में जितने भी टर्म होते हैं, जितने भी शब्द होते हैं, वो कहीं ना कहीं शब्द में ही उसका अर्थ छिपा होता है, इसलिए बहुत ज्यादा रटने की कोशिश नहीं करनी है, समझने का प्रयास करना है। जो भी शब्द है उस शब्द के पीछे जाना है कि वो शब्द क्या है और उसका मतलब वही शब्द में ही छुपा होता है। प्राकृतिक, कृत्रिम, तो सब से ही समझ में आ जाएगा कि वो है क्या, उसके अंदर क्या होने वाली, किस तरह की प्रक्रिया होगी। अगला हम देखते हैं प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां। प्राकृतिक कायिक जनन जो है वो कितनी तरह से हो सकती है, कितनी विधियां हैं, जिसमें हमारा पहला है भूमिगत तना। भूमिगत कहने का मतलब है कि भूमि के अंदर भूमिगत हो गया और तना। तो भूमिगत तना में पहला हमारा हो गया, भूमिगत तना का पहला उदाहरण है कंद
या इंग्लिश में इसको कहेंगे ट्यूबर। इसका उदाहरण है आलू। जैसे कि आलू में हम लोग देखते हैं कि आलू के अंदर ये छोटे छोटे आई पाए जाते हैं। वो आई क्या होते हैं कि आलू को जब हम जमीन के अंदर रोपित कर देते हैं तो उसके अंदर आई और कक्षस्थ कलिका पाई जाती है। आई के अंदर उन कक्षस्थ कलिकाओं में ये कैपेसिटी होती है कि वो कक्षस्थ कलिकाओं में ये क्षमता होती है कि वो नए पौधे का निर्माण कर सके। ये कक्षस्थ कलिकाएं जब उन्हें अच्छा एनवायरनमेंट, फेवरेबल एनवायरनमेंट अगर उन्हें मिलता है तो उस वातावरण में वो अपने आप को विकसित करके एक नए पौधे का, इसी के अंदर एक नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। तो इसे हम कहते हैं कंद। आलू ये हो गया भूमिगत कला। ये यहाँ से जो आई से या कक्षस्थ कलिका से जो नए पौधे का निर्माण हुआ वो क्या था, ये तना था। ये जो हमारा आलू है वो तने वाले भाग से उसके नए पौधे का विकास हुआ, इसीलिए इसे हम भूमिगत तना कहते हैं। एक होता है शकरकंद। कंद का नाम सुन के शकरकंद और आलू में कंफ्यूज नहीं करना है। शकरकंद जो होता है वो जड़ होता है, वो जड़ से विकसित होता है, इसको याद रख लेना है। आलू जो होता है वो भूमिगत तना से विकसित होता है, इसीलिए उसको कंद, और ट्यूबर या आलू जो होता है वो भूमिगत तना से विकसित होता है। इसलिए हमेशा ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उदाहरण से हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए उदाहरण को बहुत अच्छे से समझ लेना है और उसको याद कर लेना है। दूसरा है हमारा प्रकंद या राइजोम, उसका उदाहरण है अदरक। अदरक में भी सेम वही प्रक्रिया होती है। अदरक में नोड्स पाए जाते हैं जिसके अंदर भी उसी तरह की कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। उन कक्षस्थ कलिकाओं के पास एक नए पौधे को विकसित करने की क्षमता होती है। जब उन्हें एक अच्छा फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है, अनुकूल वातावरण जब उन्हें मिलता है तो वो उस वातावरण में विकसित होकर एक नया पौधे का निर्माण कर लेते हैं। अगला है हमारा धनकंद। धनकंद इंग्लिश में उसको बोलते हैं कॉर्न। इसका उदाहरण है अरबी और जिमीकंद। इसमें भी वही प्रक्रिया होती है। इसके अंदर ये भी एक भूमिगत तना है। इसके अंदर भी कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं जो कि नए पौधे को विकसित करने की क्षमता रखती है, और वो जड़ का भाग, तने का भाग अलग होकर और वो नया पौधे का निर्माण करता है। अगला है हमारा शलकंद या बल्ब। शलकंद और बल्ब का उदाहरण है प्याज या लहसुन। जैसे कि हम घरों में देखते हैं कि प्याज या लहसुन को अगर कुछ दिनों तक अगर हम छोड़ देते हैं और उन्हें अनुकूल वातावरण मिलता है तो प्याज से हरे हरे उससे छोटे छोटे पौधे निकलने लगते हैं अंकुरित होके, और लहसुन से भी निकलने लगते हैं। तो उसके अंदर भी कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं जो कि कक्षस्थ कलिकाएं विकसित होकर एक नए पौधे का निर्माण करती है। तो इस तरह से इन सभी में प्रजनन इसी तरह से होता है, तना का भाग ही विकसित होकर एक नए पौधे का निर्माण करता है। अगला है हमारा अर्धवायवीय तना। उसका उदाहरण है ऊपरी भूस्तारी, इसे इंग्लिश में रनर कहते हैं। इसका एग्जांपल है दूब घास। जैसे कि ये जितने भी उदाहरण है सबको अच्छे से याद कर लेना है, और इस वीडियो को बार बार, दो बार, तीन बार देख के, समझ के और उदाहरण को याद करके, क्योंकि उदाहरण ही इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऊपरी भूस्थायी का उदाहरण है दूब घास। जैसा कि हम लोग दूब घास में देखते हैं कि कहीं भी मैदान में कोई एक दूब घास से पूरा मैदान में फैल जाता है, क्योंकि उसमें अलैंगिक जनन होता है। तो इस ये दूब घास का एक कोई भी एक पार्ट यहाँ से ऊपरी भूस्थायी मतलब ऊपर में जमीन के ऊपर से ये उड़ के यहाँ पे चला जाता है, और ये फिर नया घास का निर्माण करता है। इस तरह से ये पूरे मैदान में पूरे एक के बाद दो के बाद तीन, इस तरह से होता है, और इसको रनर कहते हैं। दूसरा है हमारा भूस्तारी स्टोलन, जिसका उदाहरण है स्ट्रॉबेरी। इसमें भी सेम ऐसा ही होता है जैसे कि ये स्ट्रॉबेरी का पौधा है। इसका कोई भी भाग चल के कहीं दूसरी जगह पे जमीन में रोपित हो जाता है, और वहां से एक नए पौधे का निर्माण होता है। जो भाग चल के गया उसे स्टोलन कहते हैं, और एक नया पौधा का निर्माण हुआ। इस तरह से ये अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। तीसरा है हमारा भूस्तारिका ऑफसेट, जिसका उदाहरण है जलकुंभी और पिस्टिया। ये जलीय पौधों में होता है। जैसे कि जलकुंभी और पिस्टिया जलीय पौधे हैं, तो इसमें भी ऐसा ही होगा कि जो पौधा है हमारा उसका कोई एक भाग चलकर कहीं दूसरे जगह जल के किसी सतह पे जाएगा, और वहां पे वो विकसित होकर एक नए पौधे का निर्माण करेगा, और जो पौधे का जो भाग चल के गया उसे
ऑफसेट कहते हैं। इस तरह से ये भूस्तारिका का उदाहरण है। अब हम लोग तना के द्वारा अलैंगिक प्रजनन समझ चुके हैं, भूमिगत तना और ये अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना कहने का मतलब है कि आधा वायवीय, मतलब आधा जमीन के ऊपर और आधा जमीन के अंदर, जैसा कि नाम से ही क्लियर है। तो अर्धवायवीय तना और भूमिगत तना हम लोग देख चुके हैं। और अगला अब हम देखेंगे जड़। जड़ के द्वारा अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है, उसके उदाहरण है सतावर, डहेलिया और शकरकंद। तो इसमें भी वही प्रक्रिया होती है कि इस पौधे के जड़ के अंदर कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती है। जैसा कि हम लोग भूमिगत तना में देखे थे कि तना के अंदर कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती थी, इसमें जड़ के अंदर कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाएंगी जो कि वो विकसित होकर एक नए पौधे का निर्माण करेंगी। अगला है हमारा पत्ती। पत्ती के बारे में देखेंगे कि इसमें क्या होगा कि पत्तियों के अंदर कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाएंगी और वो विकसित होकर एक नया पौधा का निर्माण करेंगी। इसका उदाहरण है ब्रायोफिलम, जिसको कि हम लोग हिंदी में अजूबा कहते हैं। तो इस पौधे के अंदर की पत्ती है, जैसे ये पत्तियां हैं, पत्ती के किनारे किनारे जो है बर्ड्स पाए जाते हैं, कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। इन कक्षस्थ कलिकाओं के अंदर ये क्षमता होती है कि वो उन्हें अगर अनुकूल वातावरण दिया जाए तो वो उस अनुकूल वातावरण में विकसित होकर एक नए पौधे का निर्माण कर सके। जैसा कि हम इस फिगर में देख रहे हैं, ये कक्षस्थ कलिकाएं विकसित होकर एक नए पौधे का निर्माण करने वाली है। तो इस तरह से इसका उदाहरण है ब्रायोफिलम। तो सारे उदाहरण को हम अच्छे से समझकर और याद कर। हमारा कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन कहने का मतलब है कि वैसा जनन जो हम खुद से कराते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर किसी पौधे का जड़, तना या पत्ती लेकर उसको कहीं रोपित करे और उससे नया पौधा अगर उत्पन्न होता है तो उसको हम बोलते हैं कृत्रिम कायिक जनन। उसका उदाहरण है कलम द्वारा। पहला एग्जाम्पल है कलम द्वारा, दूसरा एग्जाम्पल है दाब लगाना। कलम द्वारा जैसे कि गुलाब के पौधे का हम उदाहरण दिए थे कि कलम द्वारा अगर हम लोग कृत्रिम कायिक जनन करना है तो सबसे पहले किसी पौधे का कोई भी भाग, कोई तना वाला भाग काट लेंगे, यहाँ से कट कर लेते हैं। कट करके फिर उसको कलम के शेप में, उसको चाकू से या किसी चीज से छील के कलम के शेप में बना देते हैं उसको। उसके बाद जमीन में इसको रोपित कर देते हैं, कलम वाले पार्ट को अंदर डालेंगे और ऐसे रोपित करेंगे। अब इसके बाद अगर इसको अनुकूल वातावरण मिलेगा तो ये एक नए पौधे का निर्माण कर देगा। इस तरह से ये कलम द्वारा हम नए पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं। अगला है हमारा दाब लगाना। दाब लगाने में क्या होगा कि कोई भी पौधा है उसका एक पार्ट लेकर और जमीन के अंदर दबा देंगे। उसका कुछ भाग जो जमीन के अंदर जो दबेगा उससे जड़ें निकलेंगी, कुछ दिन के बाद इसमें से जड़ें निकल जाएंगी और जड़ें निकलने के बाद इसमें ये विकसित होकर एक नए पौधे का निर्माण कर देंगी। इस तरह से एक नई संतान की उत्पत्ति हुई, नए पौधे की उत्पत्ति हुई। तो ये हो गया हमारा दाब लगाना। अब सबसे इम्पोर्टेंट और हमारा अगला टॉपिक एक है, इसमें सूक्ष्म प्रवर्धन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या होता है। सूक्ष्म प्रवर्धन में पौधे के उत्तक के द्वारा नया पौधा विकसित करना, उसे ही सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। पौधे के उत्तक, उत्तक का ये कोशिका, उत्तक ये सब का नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। उत्तक, उत्तक कहने का मतलब है कि कोशिका का समूह, जो कि समान संरचना और समान कार्य वाली कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम कि किसी भी पौधे का एक छोटा सा उत्तक काट के निकाल लेते हैं और उसको किसी पहले हम लोग उसको एक कृत्रिम पोषक तत्व, जैसा कि यहाँ फिगर में मैंने दिखाया है कि ये गाजर का गाजर है और गाजर का एक भाग उत्तक, छोटा सा उत्तक का पार्ट काट के उसको निकाल लिए और एक पोषक, कृत्रिम पोषक माध्यम, एक जार लेंगे, कंटेनर लेंगे जिसमें कि ऐसा पोषक तत्व भरा रहेगा जिसमें कि वो उत्तक को डाल देते हैं और इसमें ऐसा पोषक तत्व भरा है जो कि उस उत्तक को विकसित करने में उसकी मदद करेगा और उत्तक को वो पोषक तत्व प्रदान करेगा और वो विकसित होकर एक नए पौधे का निर्माण करेगा और वो नया पौधा हम अपने गार्डन में लगाएं या जहां भी लगाने की इच्छा है उस वहां लगा के एक नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। अब इस प्रक्रिया को हम स्टेप बाय स्टेप विस्तृत रूप से समझते हैं।
सबसे पहला स्टेप इसमें है सूक्ष्म प्रबंधन में। सबसे पहला स्टेप हम उत्तक को लिए और इस बर्तन में कृत्रिम पोषक तत्व जिसमें भरा हुआ है और अनुकूल वातावरण भी देंगे उसको। कृत्रिम रूप से एक पौधे को विकसित करने के लिए जैसा वातावरण चाहिए वैसा हम अनुकूल वातावरण भी उसको देंगे। अनुकूल वातावरण देंगे और किस कृत्रिम पोषक तत्व से भरा हुआ जो हमारा लिक्विड भरा हुआ इसमें पोषक तत्व तो मौजूद है भरा हुआ उस बर्तन के अंदर हम उत्तक को डाल देते हैं। अब उत्तक को डालने के बाद कुछ दिनों के बाद वो उत्तक में विभाजन होता है। विभाजन होगा वो अपनी संख्या में वृद्धि करेगा और विभाजन होते 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 वो बहुत सारा संख्या में वृद्धि करके एक बहुत सारे उत्तक का निर्माण कर लेगा और उस संरचना को एक नाम दिया गया है जिसको कहते हैं कैलस। इसको याद कर लेना है कि उत्तक जब विभाजित होकर एक संरचना का निर्माण करता है कृत्रिम माध्यम में उसे कैलस कहते हैं। अब ये दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि कैलस को हम निकाल के अगले स्टेप में आते हैं स्टेप टू। इसमें क्या करेंगे कि इस कैलस को इस बर्तन से निकाल के किसी दूसरे बर्तन में डालेंगे। उस बर्तन के अंदर ये जो हमारा द्रव भरा हुआ है वो ऐसा द्रव होगा जिसमें कि हार्मोन्स उपस्थित होंगे। वैसे हार्मोन्स जो इस कैलस को के अंदर शाखाएं विकसित करने की तना को विकसित करने की क्षमता रखती होंगी। एक दूसरे पोषक तत्व से भरे कंटेनर में बर्तन में हम डालते हैं उसको दूसरे स्टेप में जिससे कि क्या होगा कि इसमें हार्मोन्स भरे हैं। ये हार्मोन्स इसको पोषक तत्व प्रोवाइड करेंगे और उससे ये नया पौधा देखिए यहाँ शाखाएं निकल रही हैं नई नई शाखाएं इसमें से निकलेंगी। अब ये शाखाएं विकसित हो चुकी हैं। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में ये जो शाखाएं निकली हुई हैं उन शाखाओं को अलग अलग करके अलग अलग बर्तन में डाल देंगे जिसमें कि पोषक तत्व भरे हुए हैं और अलग अलग कंटेनर में इसको डाल दिए। अब इसमें ये और ज्यादा विकसित होंगे। अब इसमें जड़ें निकल जाएंगी। इसमें जड़ें आ गई पोषक तत्व का उपयोग करके ये छोटे छोटे जो शाखाएं हैं छोटी छोटी ये शाखाएं विकसित होकर जड़ों का विकास करेंगी। अब जब इसमें जड़ें निकल गई हैं तो अब इसमें हम अपने इच्छित स्थान पे या तो हमारा बागीचा है या कहीं भी जहां हम चाहते हैं वहां इस एक एक पौधे को एक एक शाखाओं को निकालकर चौथा स्टेप हमारा क्या होगा कि एक एक शाखाओं को निकालकर हम अपने गार्डन में उसको रोपित कर देंगे और वहां वो पौधा विकसित होगा और एक नए पौधे का निर्माण करेगा। तो इस तरह से हमारा सूक्ष्म प्रबंधन का जो प्रक्रिया है इस तरह से संपन्न हुई। इसमें सबसे पहले उत्तक को लिए उत्तक को किसी कृत्रिम माध्यम में डाले फिर माध्यम में डालने के बाद उसमें कैलस का निर्माण हुआ। कैलस का निर्माण होने के बाद उसको हार्मोन्स वाले लिक्विड में डाले फिर हार्मोन्स के द्वारा उसके अंदर शाखाएं निकली। अब शाखाओं को अलग अलग बर्तन में डाले फिर उसमें जड़ें आई फिर उस शाखाओं को हम फिर किसी अपने बागीचे में रोपित कर दिए। तो इस तरह से हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसके आगे का टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे जिसमें कि लैंगिक जनन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अलैंगिक जनन हमारा कंप्लीट हो गया और अगले वीडियो में हम लोग लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर लिखिए उसमें आपको वीडियो कैसा लगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।